बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 17 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 17 में पीरियोडिक एंड पीसवाइज कंटिन्यूस फंक्शन, इससे लास्ट में हमने फोर ईयर सीरीज देखी थी, और फोर ईयर सीरीज में जो आपका लेक्चर नंबर 16 था उनमें उसने कुछ बता दिया था कि फोर ईयर सीरीज का कंसेप्ट क्या है, लेकिन वो आपके पास प्रीवियस बाउंड्री कंडीशन से जिसको ही हमने सॉल्व किया। यहाँ पे भी आपको फोर ईयर सीरीज का मोटिवेशन उन्होंने कहा, टॉपिक का नेम भी ये दिया कि मोटिवेशन बिहाइंड फोर ईयर सीरीज। अब फोर ईयर सीरीज की मोटिवेशन बिहाइंड असल में उसका क्या है, फोर ईयर सीरीज कि आप कोई भी फंक्शन है ना, उसको सम ऑफ इनफाइनाइट फंक्शन है तो आप उसको सम में लिख लें तो वो आपके पास एक फोर ईयर सीरीज का कॉन्सेप्ट देता है। लेकिन अभी हम इसको मजीद समझेंगे, ये मेन कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको डिरिचले कंडीशन की हेल्प से समझेंगे। उससे पहले आपसे एक बात करनी है, क्योंकि मैं अभी लेक्चर साथ साथ रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो अभी वाले स्टूडेंट्स को जो मसला हो रहा है, जैसे अभी आपके पास 25 नवंबर 2023 है, तो जो स्टूडेंट्स अभी मेरे लेक्चर सुन रहे हैं वो जहाँ पे मसला आ रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि मैं जिस भी वीडियो पे हुई मैं आपका कॉन्सेप्ट अगेन क्लियर कर दूंगी जहाँ से आपको मसला हुआ। तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ताकि मैं उसको अगेन रिकॉर्ड कर सकूँ जहाँ से आपको मसला हो रहा है। अब जो आपका लेक्चर नंबर 17 है वो है पीरियोडिक एंड पीसवाइज कंटिन्यूस फंक्शन से रिलेटेड। पीरियोडिक क्या होता है? पीरियोडिक एक ऐसा फंक्शन होता है कुछ इंटरवल्स के बाद जब फंक्शन अपनी वैल्यूज को रिपीट करता है तो उसको आप कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। जैसे आपके पास साइन का, अगर आपने ग्राफ देखा हो, साइन का साइनोसॉइडल बिहेवियर देखा हो, तो साइन का साइनोसॉइडल बिहेवियर कुछ इस तरह से होता है। गूगल पे भी सर्च कर लें तो आपको कुछ इस तरह से इसका साइनोसॉइडल बिहेवियर मिलेगा। कुछ इंटरवल्स के बाद साइन अपनी वैल्यूज को रिपीट करता है, तो ये आपके पास साइन का जैसे मैंने बताया। इसके अलावा आपके पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ना, वो सारे पीरियोडिक होते हैं। अब आप पीरियोडिक की डेफिनेशन क्या कह सकते हैं? फंक्शन विच रिपीट इट्स वैल्यूज बाय आफ्टर सर्टेन इंटरवल्स, कुछ इंटरवल्स के बाद फंक्शन अपनी वैल्यूज को रिपीट करे। रीड कर लेते हैं। फंक्शन इज सेड टू बी टू हैव अ पीरियड पी इफ फॉर ऑल एक्स वी हैव फंक्शन, आपके पास जो भी फंक्शन है उसके अंदर जो भी पीरियड ऐड कर दें वो आपके पास अगेन वैल्यूज वो रिपीट होती रहे। अगर आप साइनोसॉइडल बिहेवियर देखें, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर पुट करें, आपके पास कुछ इंटरवल के बाद अगेन वही आंसर आएगा। अगर आपके पास पी ग्रेटर देन जीरो है, if p greater than 0, further if p greater than 0 is least, then is said to be period of function of x। अब जैसे आप sin का period देखें तो sin x plus 2 pi, x plus 4 pi, कुछ values इस तरह से period 2 pi, फिर 4 pi, फिर आपके पास इस तरह से कुछ इसका graph बनेगा। general form अगर आप देखेंगे तो sin nx आपका जो भी है, जैसे आपके पास sin x था, n की कोई भी value है, आप sin के अंदर sin का जो period होता है वो 2 pi होता है, तो आप इसके period में 2 pi add कर ही आएंगे तो आपके पास वो sin का sinusoidal behavior आता जाएगा। साइन एन एक्स प्लस जीरो क्या, अब आपके पास साइन एन, ये उन्होंने कुछ जनरल फॉर्म्स बता दिए। अगर आप इस यहाँ पे आपके पास जो फोर ईयर सीरीज के हैंडआउट्स हैं, यहाँ पे इन्होंने बेसिकली ये सारे पीरियड्स को अगेन सॉल्व करके भी बताया, द फंक्शन साइन एक्स हैज पीरियड 2 पाई 4 पाई 6 पाई, इसका जो पीरियड होता है वो ये होता है, और आर ये सारे पीरियड साइन एक्स के ही इक्वल होते हैं, और ये जो साइन एन एक्स और या कॉस एन एक्स है इसका पीरियड 2 पाई ओवर एन होता है। तो जैसे साइन एन एक्स था, यहाँ पे साइन एन एक्स था, तो इसका पीरियड 2 पाई ओवर एन हो गया, तो मतलब इस तरह का पीरियड हो तो 2 पाई ओवर एन। अब पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है? फंक्शन डेट हैज एट मोस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूस, फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज। अब फाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज का क्या मतलब है? फंक्शन आपके पास जो भी एक्सप्रेशन गिवन है, इस एक्सप्रेशन के अंदर फंक्शन में कुछ पॉइंट्स ऐसे आएंगे जहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, मतलब कि आपके पास कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स ऐसे होंगे जहाँ पे कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी, और जिन पॉइंट्स और वो जो स्पेसिफिक पॉइंट्स आपके पास आए हैं जिन पॉइंट्स पे फंक्शन की कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई है, वो वाले स्पेसिफिक पॉइंट्स पे हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूट है, मतलब कि फंक्शन की जो वैल्यू है वो finitely discontinuity है। यहाँ पे इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि फंक्शन इन स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर, फंक्शन की इन स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर डिसकंटिन्यूटी फाइनाइट है, मतलब कि फाइनाइट होने का मतलब है कि वो एक काउंटेबल वैल्यू है। तो ये है आपके पास पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपके पास फोर ईयर सीरीज। फोर ईयर सीरीज को समझेंगे, फोर ईयर सीरीज का सारा कॉन्सेप्ट लेंगे, लेकिन मैंने थोड़े से नोट्स तो इसका तैयार किया, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत गंदा लिखा गया। आपने इसको ज़रूर नीट कर लेना, मैं साथ साथ बोलूँगी, इसको साथ साथ ज़रूर नीट कर लें तो आपका ज़्यादा अच्छे से नोट्स बन जाएंगे। मेरे से तो इतने अच्छे से बने नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा गंदा लिखने हो गया मेरे से। फंक्शन आपके पास क्या है? फंक्शन के आपके पास जो फोर ईयर सीरीज का फंक्शन होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ए नॉट ए एन कॉज एन पाई एक्स ओवर एल, बी एन साइन एन पाई एक्स ओवर एल, आपका फंक्शन एक्स जो है वो माइनस एल से एल के दरमियान में होता है, ठीक है।
अब आपको कहीं जगह पे ए नॉट अवर टू नजर आएगा, ठीक है, जहां पे आपको इसकी वैल्यू ए नॉट अवर टू शो होगी ना, वहां पे आपके पास, यहाँ पे जब आपने ए नॉट ए, अभी आपके पास फोरियर सीरीज की इक्वेशन है, ठीक है, घबराना नहीं है, आराम से सुने, ये फोरियर सीरीज की इक्वेशन है, इंतहाई ईजी टॉपिक है फोरियर सीरीज की इक्वेशन। यहाँ पे आपने की जो ए नॉट ए एन बी एन कॉन्स्टेंट पड़े हैं ना, इनकी वैल्यूज का पता लगाना है, इन वैल्यूज को फाइंड भी करना है। अभी हमने ए नॉट की वैल्यू, अगर आपके पास ए नॉट अवर टू लिखा है ना कहीं पे, तो उसका अब आपके पास ए नॉट अवर टू लिखा है और ए नॉट की वैल्यू वन अवर एल लिखी है, तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर ए नॉट अवर टू है तो वन अवर एल वैल्यू होगी, अगर ए नॉट है तो वन अवर टू एल यहाँ पे लिखा होगा। तो ए नॉट की वैल्यू, ए नॉट किसके इक्वल होता है, इस फंक्शन के, माइनस एल टू एल इस फंक्शन के। आप देखें ए एन, ए एन, ए एन है ना यहाँ पे आपके पास एक कॉन्स्टेंट, ये ए एन इक्वल होता है ए एन कॉस का फंक्शन है, तो वन अवर एल फंक्शन ऑफ एक्स कॉल्स एन पाई एक्स ओवर एल, कन्फ्यूज नहीं होना, अभी हम ये सारी वैल्यूज फाइंड करेंगे। ये जो बी एन कॉन्स्टेंट है ये वन ओवर एल फंक्शन ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स ओवर एल के इक्वल होता है, ठीक है। इस ये फंक्शन कब है, जब एक्स माइनस एल के से एल के दरमियान में है, ये सारी वैल्यूज होगी। इसके बाद अगर आपके पास फंक्शन माइनस पाई से पाई के दरमियान में है, ठीक है, अगर फंक्शन माइनस पाई से पाई के दरमियान में है, तो आप आपके पास जहाँ जहाँ पे एल आ रहा है गिवन इक्वेशन के अंदर, वहाँ आप इसका जो इसका एल आएगा वो क्या आएगा, पाई, जो आपके पास ये रेंज, आप इसकी रेंज फाइंड करें तो पाई माइनस माइनस पाई करेंगे तो ये आपके पास टू पाई हो जाएगा, और इसको टू पे डिवाइड कर देंगे तो टू पाई अवर टू आपके पास क्या आ जाएगा, पाई आएगा। तो एल क्या आ गया, पाई आ गया आपका, तो एल पाई आ गया। आप जहाँ जहाँ एल है वहाँ वहाँ पाई पुट कर दें, ए नॉट प्लस समीशन साइन ए एन कॉस एन पाई एक्स अवर, यहाँ पे क्या हो गया, पाई हो गया। यहाँ पे पाई पुट करने से ये पाई इस पाई से कैंसिल हो गया, तो इस टाइम पे आपकी कंडी इक्वेशन ही बदल जाएगी, जब फंक्शन माइनस पाई से पाई में होगा, पाई वाला फंक्शन ही नहीं आएगा, तब आपके पास वैल्यू आएगी ए एन कॉस एन एक्स बी एन साइन एन एक्स, यहाँ पे भी एल की जगह पाई पुट करेंगे, वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, बी एन साइन एन एक्स हो जाएगा, ठीक हो गया। इस केस में अब आपने एल की जगह पे पाई पुट किया, ए नॉट की वैल्यू ये आ गई, फिर ए एन एल की जगह पे पाई पुट किया, ए नॉट की वैल्यू ये आ गई, यहाँ पाई पाई से कैंसिल हो गया, तो आपके पास को फंक्शन ऑफ एक्स कॉस एन एक्स बन गया, बी एन ए एन की वैल्यू, बी एन की वैल्यू वन ओवर पाई फंक्शन ऑफ एक्स साइन एन एक्स बन जाएगा, उसी तरह से एल पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास फंक्शन जब माइनस पाई से पाई के दरमियान में है। इसके बाद इवन फंक्शन और ऑड, आपको पता किस तरह चलेगा कि फंक्शन इवन है कि फंक्शन ऑड है। अब देखें एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी जितना अच्छे से आपके पास ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। मैं एक फंक्शन ले लेती हूँ, फंक्शन में लेती हूँ एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब इस फंक्शन को के अंदर अगर मैं x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूं, आपने ये पढ़ा होगा लाजमन, अगर हम इस x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें तो यहाँ पे मेरे पास माइनस एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, और नेगेटिव और उसका स्क्वायर आपके पास माइनस माइनस अगेन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आपके पास अगेन प्लस x का स्क्वायर आ गया। अगर फंक्शन को x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर फंक्शन अपनी वैल्यू को चेंज ना करे तो वो एक इवन फंक्शन होता है। यहाँ ही मैं फंक्शन ऑफ x x ले लेती हूँ, और अगर मैं इस x को माइनस एक्स से रिप्लेस करूँ तो मेरे पास फंक्शन चेंज हो गया, जब फंक्शन चेंज हो गया तो वो एक ऑड फंक्शन हो गया। तो आई होप सो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब अगर फंक्शन इवन है, देखिए अब हमें एक्स स्क्वायर से पता चला हमारा फंक्शन क्या है, इवन है। अगर फंक्शन इवन है ना, तो अब देखिए फंक्शन इवन है, आप यहाँ पे वैल्यू चेक कर लें, फंक्शन इवन है, आपके पास यहाँ पे इवन फंक्शन है, तो इसको चेक करने के लिए हमारे पास ओके यहाँ से देख लेते हैं। अगर फंक्शन इवन है तो आपके पास फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स जो आपने फार्मूला उसका जो होगा वो आपके पास, अगर माइनस एल से एल के दरमियान में एक्स है ना, तो आपने ये पहले इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा, जब माइनस माइनस टू से टू पे होता था आप टू से डिवाइड कर लेते थे तो आपके पास लिमिट जीरो से एल हो जाती थी या जीरो से टू हो जाती थी, फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स आ गया। अगर फंक्शन इवन है तो आपके पास ए नॉट और ए एन आप सिर्फ फाइंड करेंगे, बी एन हमेशा जीरो होगा अगर फंक्शन इवन है तो। ये अभी हम एग्जाम्पल करेंगे ना, तो आपका कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि बी एन आपको फ़ौरन देख के पता चल जाएगा कि बी एन जीरो है। अगर
फंक्शन इवन है तो आपके पास ए नॉट और ए एन सिर्फ हम फाइंड करेंगे। ए नॉट की वैल्यू क्या है, ए नॉट का फॉर्मूला क्या है, 1/2L फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स, यही फॉर्मूला है 1/2π फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स। लिमिट्स माइनस एल से एल थी, जब आपने इसको जीरो से एल करेंगे तो यहाँ टू से मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगर फंक्शन इवन है तो 2 × फंक्शन ऑफ एक्स हो जाएगा, तो 2 × आपके पास ए नॉट की वैल्यू आ जाएगी, तो 2 × 1/2π तो आपके पास ए नॉट की वैल्यू ही चेंज होगी, 1/π फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स हो गया। अगर फंक्शन इवन है तो आप सिर्फ a0 और an फाइंड करेंगे, तो an का फॉर्मूला क्या है, 1/π फंक्शन ऑफ x dx, यहाँ पे भी इसकी लिमिट चेंज हो जाएंगी, ये फंक्शन 0 से पाई के दरमियान में हो जाएगा, अगर पाई से माइनस पाई में है तो 2 × फंक्शन ऑफ x हो गया, तो 2/π × फंक्शन ऑफ x आपके पास cos nx dx आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी an की, और bn होता ही 0 है। अगर फंक्शन इवन है तो आपने ये सिर्फ दो वैल्यूज फाइंड करनी है। अगर फंक्शन ऑड है, फंक्शन ऑड हो गया, मैंने x की जगह माइनस x किया, फंक्शन चेंज हो गया, अगर फंक्शन ऑड है तो आपके पास a नॉट a n दोनों जीरो होंगे, सिर्फ आपने bn फाइंड करना है। ये मैं इतना ही बता रही हूँ, अभी हम एग्जांपल करेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। आपने सिर्फ क्या फाइंड करना है, bn फाइंड करना है। जब आपने सिर्फ bn फाइंड करना है तो bn के लिए आपके पास इसका फार्मूला 1/π फंक्शन ऑफ x sin nx dx ये फार्मूला होगा, ठीक है, सिर्फ आपने bn फाइंड करना है। इस फॉर्मूले को मैं क्लियर कर दूंगी कि यहाँ पे 2 आता है कि नहीं, अभी आप इसको इतना ही रखें। आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल वही बातें बताएंगे, a0/2 जो मैंने आपको बता दिया, अगर यहाँ 2 लिखा है तो आपके पास a0, यहाँ पे फॉर्मूला a0 की वैल्यू क्या होगी, ये आप सेम वही बातें लिखी हुई हैं। अगर पीरियड चेंज हो रहा है, सी से सी प्लस 2L हो रहा है, पीरियड 2++2L हो रहा है, तो आपके पास फंक्शन कुछ इस तरह से आएगा, वही फंक्शन रहेगा, बी एन कुछ इस तरह से आएगा, a0/2 है अगर तो 1/2L फंक्शन ऑफ एक्स, जैसे मैंने आपको लिखवाया आप वो लिख लें। अगर फंक्शन x का स्क्वायर है, आप सॉरी फंक्शन की इंटीग्रेशन करें तो आपके पास 1/2x³/3 लिमिट्स 0 से 2 इंटरवल है, आपके पास इसकी एवरेज वैल्यू 4/3 आएगी। लेक्चर नंबर 19 की तरफ चलेंगे। डिरिचले कंडीशन से हमें फोरियर सीरीज का पता चलता है कि हमने डिरिचले कंडीशन से डिरिचले ने ही हमें बताया कि फोरियर सीरीज का कॉन्सेप्ट क्या है। फोरियर सीरीज अगर आप हमें पता किस तरह से चलता है कि हमारी जो गिवन सीरीज है वो कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है, तो डिरिचले की कंडीशन से हमें पता चलता है कि जो हमारी गिवन सीरीज है वो कन्वर्ज कर रही है डाइवर्ज कर रही है, मे और मे नॉट कन्वर्ज है, मे और मे नॉट डाइवर्ज है, तो क्या हमारे पास होता है। इस डिरिचले ने आपके पास 3 कंडीशन दी थी। जो पहली कंडीशन डिरिचले ने दी थी वो है आपके पास फंक्शन जो है वो डिफाइंड है एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन पे, हमारे पास जो भी फंक्शन होगा वो माइनस एल से एल के दरमियान में होगा, ठीक है, इज डिफाइंड एंड सिंगल वैल्यूड माइनस एल टू एल। उसके बाद फंक्शन ऑफ एक्स इज पीरियोडिक ऑन माइनस एल टू एल विद पीरियड 2L। आप फंक्शन की पीरियोडिसिटी की वो बात कर रहे हैं कि फंक्शन इस इंटरवल के अंदर आपके पास पीरियोडिक माना जाता है, फंक्शन इस इंटरवल के अंदर पीरियोडिक माना जाता है, उसका पीरियड जो है वो 2π 2L आ रहा है, माइनस एल प्लस आप इसको इस तरह से करेंगे ना, एल माइनस माइनस एल लिखेंगे तो डिवाइड करेंगे 2 से, और आपके पास इसका वैसे पीरियड क्या आएगा, इसका वैसे पीरियड आपके पास 2L/2L हो जाएगा। और अगर आपके पास इस केस में फंक्शन पीरियोडिक है और उसका पीरियड 2L आ रहा है ना, तो अगर आप फंक्शन ऑफ x है और अगर आप इस फंक्शन ऑफ x के अंदर x+2L कर देंगे ना, तो भी आप उस फंक्शन को पीरियोडिक ही मानेंगे, जो उसका पीरियड माना जाता है उन वैल्यूज पे भी फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक ही होता है। अगर जैसे हमारे पास फंक्शन इवन था तो हमारे पास फंक्शन 0 से L हो गया तो हमारे पास उसकी वैल्यू क्या आ गई, L पे वो पीरियोडिक है, तो अगर हम फंक्शन x+L कर देंगे तो भी वो पीरियोडिक माना जाएगा। और तीसरी कंडीशन क्या है, फंक्शन और उसके डेरिवेटिव पीस वाइज कंटिन्यूस होंगे। पीस वाइज कंटिन्यूस का मैंने मतलब बहुत अच्छे से बताया, एट फाइनाइट डिसकंटिन्यू एट मोस्ट फाइनाइट वैल्यूज होती हैं, फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी वैल्यू के ऊपर कुछ इस तरह से था, अगेन मैं देख लेती हूँ, फाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज होती हैं, क्या मतलब था, ग्राफ के ऊपर जितनी भी स्पेसिफिक वैल्यूज पर फंक्शन कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज आएंगी जहाँ पे फंक्शन जिस पर कंटिन्यूटी नहीं होगी, कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी, जिन पॉइंट्स के ऊपर कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी वहाँ पर फंक्शन आपके पास उन स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन को हम कहेंगे कि डिसकंटिन्यूस है, मतलब कि काउंटेबल है। अब आपके पास ये वैल्यूज हो गई, इसके बाद ये आपके पास कंडीशन होगी, ओके, और ये आपके पास कुछ कंडीशंस हैं इसी लास्ट वाले पॉइंट्स के लिए। अगर आपके पास फंक्शन इस तरह से पीस वाइज कंटिन्यूस है तो आपके पास अगर एक्स पॉइंट कंटिन्यूटी है तो फंक्शन ऑफ एक्स ही आएगा, अगर एक्स इज अ पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी, आपके पास जो भी एक्स आ रहे हैं वो फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो फंक्शन ऑफ एक्स ही, और अगर डिसकंटिन्यूस है तो आप उसको कुछ इस तरह से चेक करेंगे। आप एवेल्यूएशन चेक करेंगे फोरियर सीरीज की, आपके पास यहाँ पे आपने ए नॉट ए एन और बी एन फाइंड करना है। हाँ, ए नॉट ए एन और बी एन फाइंड करने के लिए आप बस ये सीरीज आपने देख ली, ए क्या है, यहाँ पे ए नॉट है,
ए नॉट अवर टू भी जिसको लिख सकते हैं आप। अब आपके पास इसकी ये सारे आपका क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन अब यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब आपने यहाँ से ए नॉट ए एन बी एन फाइंड करना है। आप सबसे पहले इस सारी इक्वेशन को बारी बारी किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे जहाँ से आपके पास बारी बारी सारी इक्वेशंस निकलती आएंगी, ठीक है। अब हम पहले इस सारी इक्वेशन को कॉस एम पाई एक्स ओवर एल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे भी कॉस, लेफ्ट पे भी राइट पे भी कॉस एम पाई एक्स ओवर एल फंक्शन ऑफ एक्स, ए कॉस एम पाई एक्स ओवर एल डी एक्स, ए एन कॉज एम पाई एक्स ओवर एल कॉज एन पाई एक्स ओवर एल हो गया, बी एन कॉज एम पाई एक्स ओवर एल साइन एन पाई एक्स ओवर एल। आप बस ये कंडीशन सेम इसी तरह से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक हो गया। अब आपने इसको पार्ट ए कह दिया, ये फर्स्ट टर्म को ए पार्ट, सेकंड टर्म को बी पार्ट कह दिया और बी एन वाली को सी पार्ट कह दिया। अब आपने बारी बारी इन तीनों पार्ट्स को सॉल्व करना है, देखना आंसर क्या आता है। बेसिकली यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन हो रही है तो इंटीग्रेट करेंगे। अब ये तो कांस्टेंट है, वो बाय चला गया, कॉस की इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन हो गई और साइन एम पाई एक्स ओवर एल डी एक्स आ गया। अब साइन एम पाई साइन, आपने ये बात याद रखनी है कि जो साइन यहाँ पे नहीं लिखा पाई आई थिंक सो, यहाँ पे मैंने लिखा था वो सेव नहीं हुआ। ओके यहाँ साइन एन पाई है और साइन एन टू पाई है, यहाँ पे फिर यहाँ पे कॉज एन टू पाई है और यहाँ कॉज एन पाई है। तो देखिए आपके पास कॉज की इंटीग्रेशन से क्या आया, साइन आएगा। कॉज की इंटीग्रेशन से आपके पास यहाँ पे वैल्यू आएगी साइन एन पाई एक्स ओवर एल, और अगेन आप इनर का डेरिवेटिव लेंगे मतलब एम पाई एक्स ओवर एल का अगेन डेरिवेटिव लेंगे ना, तो आपके पास इसका आंसर एम पाई ओवर एल आएगा। ये वैल्यूज आएंगी आपके पास यहाँ पे, उन्होंने इसको सॉल्व किया साइन एम पाई एक्स ओवर एल, और अगेन इनर इसकी इंटीग्रेशन इसी तरह से करते हैं ना, इसके नीचे डिवाइड करते हैं, एम पाई ओवर एल वैल्यू आएगी, और ये जब वैल्यू ऊपर जाएगी तो एल ओवर एम पाई हो जाएगी, ठीक है। अब देखें एक बात याद रखनी है कि जब भी आपके पास साइन फंक्शन है साइन एन पाई हमेशा ज़ीरो होता है, यहाँ पे साइन एम पाई है तो साइन एम पाई हमेशा ज़ीरो होता है। लेकिन अगर आपके पास लिमिट्स भी हैं, जब आप लिमिट्स पुट करेंगे तब भी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो होगी। तो आपने यहाँ से याद रख लेना कि साइन एक्स एक्सिस पे साइन क्या होता है, ज़ीरो होता है। आपने मतलब कि साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, साइन 90 आपके पास 1 होता है, साइन आप 180 देख लें वो जीरो होता है। एक्स एक्सिस पे हमेशा साइन जीरो, 90 तो वाई एक्सिस पे हो जाएगा, तो एक्स एक्सिस पे साइन हमेशा क्या है, जीरो है। तो आप बस ये पहली वैल्यू साइन एम पाई क्या हो गया, जीरो हो गया। उसके बाद आप इसका पार्ट बी सॉल्व करेंगे, एन कॉस एन पाई एक्स ओवर एल कॉस एम पाई एक्स ओवर एल वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास ये फार्मूला बन रहा है, कौन सा फार्मूला बन रहा है, कॉस एन पाई एक्स ओवर एल कॉस एम पाई एक्स ओवर एल, आपके पास ये जो फार्मूला बन रहा है, मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। ओके ये मैंने फार्मूलाज लिखे कुछ ओके जी, आपके पास टू साइन क्या फार्मूला है, आपके पास कॉज और कॉज का फंक्शन है, तो आपके पास जब कॉज ए कॉज बी हो, यहाँ टू आ रहा है तो कॉज ए कॉज बी हो तो कॉज ए प्लस बी प्लस कॉज ए माइनस बी, यहाँ टू मल्टीप्लाई हो रहा है, इस पूरे से आके डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे टू तो नहीं ना आ रहा है यहाँ पे इस साइड पे, तो यहाँ पे वन ओवर टू हो जाएगा। कॉज ए प्लस बी प्लस कॉज ए माइनस बी फार्मूला होता है कॉज एम प्लस एन पाई एक्स ओवर एल कॉज एम माइनस एक दफ़ा ए प्लस बी और एक दफ़ा ए माइनस बी हो फंक्शन। लिखने के बाद ये फार्मूला उन्होंने अच्छे से नीचे भी लिखा हुआ था। अब आपके पास यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती हैं, एम एन के इक्वल हो सकते हैं, हो सकता है कि एम एन के इक्वल ना हो। अगर एम एन के इक्वल है आपके पास यहाँ पे, अगर आप इसको एम एन के इक्वल यहाँ पे भी एन कर देते हैं तो ये आपके पास कॉस स्क्वायर, यहाँ पे भी एम कर देते हैं तो यहाँ पे आपके पास कॉस स्क्वायर एम पाई एक्स ओवर एल बन जाएगा। और कॉस स्क्वायर अल्फा का क्या फार्मूला होता है, वन प्लस कॉस टू अल्फा ओवर टू, तो आपके पास इसका फार्मूला वन प्लस कॉस टू अल्फा की वैल्यू एम पाई एक्स ओवर एल डी एक्स। अब आपके पास इंटीग्रेशन करनी है, वन की इंटीग्रेशन क्या हो गई, एक्स हो गई, और कॉस की इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन होगी। और मैंने अभी आपको बताया साइन एम पाई एक्स क्या होता है, हमेशा जीरो होता है, तो ये वाली वैल्यू तो जीरो होगी और इसकी इंटीग्रेशन एक्स आई है, उन्होंने बोल की वन बाई टू एज इट इज आ रहा है एक्स, आपके पास इसकी इंटीग्रेशन आ गई। लिमिट्स पुट करेंगे, आपके पास लिमिट्स पुट करने से पहले आप इस तरह से पुट करते हैं एल, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं माइनस एल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू एल हो जाएगा, टू एल अवर टू हो जाएगा, तो आपके पास टू टू से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास इसका आंसर क्या आ गया, टू एल आ गया, सही है। आपने इसका बी पार्ट सॉल्व किया। अब सी पार्ट के अंदर क्या है, साइन एम पाई एक्स अवर एल कॉज एम पाई एक्स अवर एल, उसी तरह से फॉर्मूला लगाएंगे साइन ए कॉज बी का, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे। उसी तरह से साइन एम प्लस एन पाई एक्स अवर एल साइन एम माइनस एन पाई एक्स अवर एल, साइन की इंटीग्रेशन करेंगे, साइन की इंटीग्रेशन आपके पास क्या आएगी, कॉज आएगी, और कॉज
इंटीग्रेशन आ गई। अब आपने वैल्यूज को चेक करना है कि आपके पास ये वैल्यू, ये कंडीशन किस तरह से जीरो के इक्वल हो सकती है। आपके पास यहाँ पे साइन की इंटीग्रेशन क्या आ गई, कॉज हो गई, कॉज एम प्लस एन पाई एक्स, साइन की इंटीग्रेशन यहाँ पे कॉज एम माइनस एन पाई एक्स। तो मैंने आपको बताया कि साइन एन पाई जीरो होता है, साइन एन टू पाई भी जीरो होता है, कॉज टू एन पाई वन होता है, और कॉज एन पाई आपके पास माइनस वन की पावर एन होता है। तो यहाँ पे आपके पास जो साइन की इंटीग्रेशन बन रही है वो बन रही है कॉज एन, ठीक है, कॉज एन पाई बन रही है, उसकी वैल्यू क्या होगी माइनस वन की पावर में एन, यहाँ अगर यहाँ पे टू भी है तो सही, इसकी वैल्यू क्या यहाँ पे बनेगी माइनस वन की पावर, माइनस वन बनेगी। अब जब आप इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे माइनस वन, यहाँ पे भी आपके पास इसकी वैल्यू अगर माइनस वन बनेगी, अगेन आप लिमिट्स को पुट करेंगे आप बस वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी और यहाँ पे ये फंक्शन क्या होगा जीरो। अब आपके पास ए बी सी तीनों पार्ट्स का आंसर आ गया, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लें, ए नॉट का आंसर क्या आया, फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है जीरो, सेकेंड पार्ट का आंसर क्या आया आपके पास जीरो, एंड ए जीरो आया और ये दूसरा एल आया, ठीक है, जब एम एन के इक्वल था और जब एम एन के इक्वल नहीं था, और सी पार्ट का आंसर क्या आया जीरो। आप तीनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट करें, ये वाली वैल्यू आपके पास जीरो है, समीशन साइन ए एन एज इट इज, ए का आंसर इसका एक दफ़ा आपके पास जीरो आया और दूसरी दफ़ा आपके पास एल आया, तो आप यहाँ पे एल लिखेंगे ए एन एल, और ये वाला बी एन का इस पार्ट का आंसर भी क्या आया जीरो आया। तीनों आंसर्स आ गए, यहाँ पे उन्होंने वैल्यूज को पुट किया, जीरो ए एन था, यहाँ उन्होंने एम कह दिया, यहाँ ए एन ही कर दें, आप कन्फ्यूज ना हो, ए एन ये आपके पास फंक्शन ऑफ एक्स कॉज एम पाई एक्स ओवर एल को हमने इस लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शन ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया था, वो फंक्शन यहाँ पे एल मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड होगा, तो आपके पास देखें ए एन का आंसर आ गया जो कि मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया था, ए एन का आंसर। ओके ए एन की वैल्यू क्या है वन ओवर, ओके ऊपर है वन ओवर एल फंक्शन ऑफ एक्स कॉज एन पाई एक्स ओवर एल, यही चीज़ हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, वन ओवर एल फंक्शन ऑफ एक्स कॉज एन पाई एक्स ओवर एल डी एक्स। इसी तरह से आप बी पार्ट कैलकुलेट करेंगे, बी पार्ट के लिए आप इसको साइन एम पाई एक्स से सारी इक्वेशन नंबर वन को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तीनों पार्ट्स उसी तरह से बन गए। आपके पास फर्स्ट टर्म आई ए साइन एम पाई एक्स ओवर एल, इंटीग्रेशन करेंगे, आप देखें आपके पास वैल्यूज कुछ इस तरह से आ गई, आपने इसको इंटीग्रेट करना है। साइन फंक्शन क्या होता है, साइन एक ऑड फंक्शन है, ठीक है, और साइन ऑड फंक्शन है, जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, ठीक हो गया। उसके बाद जब आप लिमिट्स पुट करेंगे तो वैल्यूज क्या हो जाएंगी जीरो हो जाएंगी। अब आप इसके पार्ट बी भी जाएंगे, साइन एम पाई कॉज एन पाई, देखें साइन ऑड फंक्शन है कॉज इवन फंक्शन है, तो आपको पता है साइन ऑड है तो ऑड को मैंने माइनस लिखा, इवन है तो इवन को मैंने प्लस लिखा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, मतलब आपके पास साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन से आपके पास कौन सा फंक्शन आ रहा है ऑड फंक्शन आ रहा है, उन्होंने यही लिखा कि साइन अल्फा कॉस बीटा और ऑड फंक्शन, उन सबके मल्टीप्लीकेशन से आपके पास एक ऑड फंक्शन आ रहा है, एक नेगेटिव फंक्शन आ रहा है, और जब ऑड फंक्शन होता है तो आपके पास उसकी वैल्यू क्या होती है जीरो होती है, और यही बात हमने यहाँ पे देखी थी, जब फंक्शन ऑड है तो ए जीरो ए एन दोनों जीरो होंगे, आपके पास ये वैल्यूज आ गई। आप इसका सी पार्ट देखेंगे, यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला बन रहा है साइन ए साइन बी है, तो आपके पास फॉर्मूला बन रहा है वन ओवर टू कॉज ए प्लस बी कॉज ए माइनस बी, उसी तरह से वैल्यूज की कॉज की इंटीग्रेशन की, कॉज की इंटीग्रेशन साइन आएगी, और साइन साइन पाई क्या होता है आपके पास साइन 180 जीरो होता है, तो आपके पास वैल्यू जीरो होगी, यहाँ पे भी साइन आएगा साइन 180 जीरो होता है, आपके पास वैल्यू जीरो आ गई। अब तीनों पार्ट दो पार्ट आ गए, यहाँ पे आपके पास एम और एन दो वैल्यूज आ रही हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास अगर एम एन इक्वल नहीं है तो आपके पास आंसर जीरो, और अगर एम और एन इक्वल है तो आपके पास ये देखें साइन एम पाई एक्स ओवर एल और कॉज एन पाई एक्स ओवर एल, जब साइन या जब आपके पास यहाँ पे सॉरी इन्होंने गलती की हुई है, यहाँ साइन है, ठीक है, ये ऊपर साइन था तो यहाँ पे भी साइन साइन पाई एक्स ओवर एल, जब m और n इक्वल है तो आप यहाँ पे भी m पुट कर लें तो साइन स्केयर एम पाई एक्स हो जाएगा, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा उसी तरह से आपके पास फॉर्मूला बना, वन माइनस कॉस टू अल्फा वन की इंटीग्रेशन आपके पास x होगी, और कॉस टू इस टर्म की इंटीग्रेशन आपके पास क्या होगी कॉस की इंटीग्रेशन साइन होगी, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, आपके पास सिर्फ x रह गया, लिमिट्स पुट करेंगे आपके पास इस पार्ट का आंसर क्या आ गया l आ गया, तीनों आंसर्स आ चुके हैं। उसी तरह से आप अगेन इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट करें, ये इक्वल है यहाँ पे आपके पास इस पार्ट का आंसर जीरो आया, इस पार्ट के आंसर में आपके पास L आया और एक दफा जीरो आया, और इस पार्ट के आंसर में आपके पास जीरो आया, तो अब आप देखें आपके पास इसका आंसर सॉरी सी पार्ट में आंसर L आया था, यहाँ पे जीरो। अब इस पार्ट में देखें आपके पास इसका आंसर क्या बना, जीरो प्लस जीरो बी एन था,
यहाँ बी एन ही रहने दें, कंफ्यूज ना हो। बी एन एल आया एक पार्ट के लिए, यहाँ पे एल मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आप बस जब आपने राइट हैंड साइड पे वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो वन ओवर एल हो गया फंक्शन ऑफ एक्स, आपके पास बी एन की वैल्यू आ गया जो कि हमने यहाँ पे देखी कि बी एन किसके इक्वल है, वन ओवर एल फाइन फंक्शन ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स ओवर एल, यही चीज़ हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। अब थर्ड पार्ट के लिए आप सिंपल इसकी फंक्शन की इंटीग्रेशन करेंगे, किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे, आपके पास ये फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास ए डी एक्स, ये जो आपका मेन ओरिजिनल इक्वेशन इंटीग्रेट इक्वेशन नंबर वन फॉर्म माइनस दोनों, आपके पास जो इक्वेशन नंबर वन जिसको हम एक दफ़ा कॉस से मल्टीप्लाई किया एक दफ़ा साइन से, उसी इक्वेशन को आप इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने पर आप जब आप लिमिट्स पुट करेंगे तो आपके पास कुछ इस फंक्शन की इंटीग्रेशन ए कॉन्स्टेंट है ठीक है, और आपके पास इसके फंक्शन की इंटीग्रेशन एक्स आ जाएगी, ये फंक्शन आपके पास जीरो हो जाएगा, ये भी आपके पास फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ए एक्स आ गया, आप एक्स की वैल्यू पुट करेंगे माइनस एल टू एल, जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो एल आ जाएगा, तो आपके पास टू ए एल इसका आंसर आ गया। आपने इसको कैलकुलेट कर लेना, मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करी, आपके पास ए का आंसर क्या आ गया वन ओवर एल, वन ओवर यहाँ टू मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, वन ओवर टू एल फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स। अब आप इस वन ओवर टू एल फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स को कह सकते हैं कि ये जो आपके पास टू ए है ये किसके इक्वल है, ए एन के इक्वल। अब देखिए यहाँ पे अगर कहता है ए एन वन ओवर एल फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स, आपके पास जो ए एन का आंसर है वन ओवर एल फंक्शन ऑफ एक्स कॉस एन पाई एक्स ओवर एल आया, अगर आप इसी आप ये जो आपके पास सबसे पहले ए एन का आंसर आया था अगर आप इसी ए एन के अंदर एन जीरो पुट कर देंगे ना तो आपके पास ए नॉट का आंसर भी आ जाएगा। देखिए एन जीरो पुट कर दिया कॉस जीरो हो गया तो आपके पास ये कॉस जीरो क्या होता है वन होता है, तो वन ओवर एल फंक्शन ऑफ एक्स आपके पास ए नॉट का आंसर भी आ गया। आपको ए नॉट का आंसर कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी जब आपने ए एन और बी एन दोनों फाइंड कर लिए, ए एन फाइंड कर लिया तो अब आपके पास ए जीरो अगर वो कहीं पे टू ए के इक्वल है और अगर वो आपको कहीं ए नॉट ओवर टू लिख देता तो कन्फ्यूज नहीं होना, ये आपके पास ए नॉट ओवर टू या अगर ए नॉट लिखा हुआ है तो वो ठीक है। ठीक हो गया, आपके पास इक्वेशन ए नॉट ओवर टू प्लस आपने ए एन भी फाइंड किया बी एन भी फाइंड कर लिया, तीनों वैल्यूज फाइंड कर ली, यहाँ तक था हमारा टॉपिक नंबर 21 तक। इसके बाद जितनी भी एग्जाम्पल है वो मैं एक लेक्चर के अंदर करूँगी, अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।